हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे हर समय कश्मीर की भूख रहती, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर की मांग करता है और भारत को बदनाम करता है, जिसकी पूरी सियासत ही कश्मीर के नाम पर चलती है, जिसके प्रधानमंत्री से लेकर हर एक मंत्री के घर का आटा दाल भारत को कोसने से ही मिलता है, वो पाकिस्तान इस समय भूख से बेहाल है। वहां की आवाम आटे के लिए कतार में खड़ी है, लाइन में खड़ी है। 75 वर्षों में पाकिस्तान में इतनी बड़ी भुखमरी कभी नहीं आई। न खाने के लिए घर में आटा है और ना बाहर खाने के लिए जेब में पैसा, और ना ही पड़ोसी देशों से मांगने के लिए पाकिस्तान के पास भरोसा ही बचा। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की यह कंगाल कथा सारी दुनिया में दिखाई जा रही, और इस खबर को आपके सामने लाने का मकसद पाकिस्तान का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना बिल्कुल नहीं, बल्कि पाकिस्तान को आईना दिखाना है। काश पाकिस्तान भारत को कोसने के बजाय अपनी आवाम के लिए दाल रोटी के इंतजाम में ध्यान लगाता तो शायद ये दिन उसे देखने नहीं पड़ते। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं। मिर्जा साहब, ये भूलेंगे नहीं क्या शहबाज शरीफ, या फिर रह रहकर अगर याद ना करें इसको तो मुल्क की आवाम पूछ लेगी कि साहब आप किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि इमरान खान तो कह रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द करा दो चुनाव, हमें क्या इससे लेना देना है। हम तो बलोच अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग सिविल वॉर की सिचुएशन है, टीटीपी की गवर्नमेंट बन गई है वहां पे, पैरेलल पीओजेके के लोगों ने कल हर शहर बड़े शहर में गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट किए हैं। हमें तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पंजाब के इलेक्शन होंगे, बाकी जगह पे तो इलेक्शन इंजीनियर होंगे, हमें तो पिछले 70 सालों में इलेक्शन से कुछ नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आटे की सिचुएशन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है। आज मुजफ्फराबाद जो पीओजेके का कैपिटल है वहां पे सरकारी डिपुओं पे आटा नहीं है, और 3,150 रुपए का जो 20 किलो का थैला है वो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मुजफ्फराबाद में आटे के लिए। सेंसा में, भिम्बर में, मीरपुर में कोई शहर ऐसा नहीं है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जहां पे लोग सिर्फ आटे की तलाश में ना निकले। अब अयूब मिर्जा की बात सुनाइए। पीओजेके के हर फ्लोर मिल से ये चोरी करके ले गए हमारा आटा, पंजाब में, पंजाब ले गए हमारा आटा, झूठ बोलते हैं ये। और हमने कह दिया अपने लड़कों को फ्लोर में ये हमारा एक गेहूं का पंजाब नहीं जाएगा। अमजद अयूब मिर्जा, आपका आटा ये लोग लाहौर ले गए जी, ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आटा कौन सा लेके ट्रकों में पंजाब क्योंकि हुमायूं सफराज प्लीज। सरकार ने ऐलान किया कि हम पंजाब के गेहूं का कोटा डबल कर रहे हैं। गेहूं तो इंसान इनके पास है नहीं, डबल कहां से कर रहे हैं ये। इस वक्त हर फ्लोर में से ये आटा चोरी करके ले गए हमारा आटा, पीओजेके के लोगों का आटा, और हम भूखे मर रहे हैं। और ये ट्रकों में डाल के फौज के ट्रकों में और प्राइवेट ट्रकों में ये सारा आटा हमारा फ्लोर मिलों का पंजाब ले गए, उन्होंने हमारा आटा चोरी किया है। अब मुजफ्फराबाद में आटा नहीं मिल रहा, चोर है आप डाकू हैं।